झोपड़ी रे गल गजा के पाच, कभी रे तेरी झोपड़ी रे गल गजा के पाच, ओए करेगा जो भरेगा कभी रे तू क्यों रे ओले उतिया। कबीर मारे कांगला रे तके वायो तीर, कबीर मारे कांगलो रे तके वायो तीर, वे पहले पड़े वरे पोखड़े ने पीछे पड़ो ने छरी। अगर आप ये आदर्श नगर के कैंप की बात करें तो यहाँ पे 2013 मई से 25 परिवार से शुरू हुए थे, जो लगभग अभी यहाँ पे 2021 में अंत तक यहाँ पे 165 परिवार हैं। और 165 परिवार में अगर आप करेंगे तो लगभग 950 लोग हैं, जिसमें से 350 के आसपास महिला होंगी, और 350 के आसपास ही पुरुष होंगे और बाकी बच्चे होंगे। तो कुल मिला के ये एक आंकड़ा है मोटा मोटा यहाँ का आदर्श नगर शरणार्थी कैंप का। जैसे आप तमिलनाडु चले जाएंगे नागरकोइल के आसपास, तो वहाँ पे आपको श्रीलंका से रिफ्यूजीज मिलेंगे कुछ। आप 24 परगना पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में और मिदनापुर चले जाएंगे, या हम कलकत्ता के कुछ ग्रामीण परिवेशों में जो बॉर्डर पर लगते हैं वहाँ चले जाएंगे, तो बांग्लादेश से आपको शरणार्थी मिलेंगे। तो ऐसे कुछ शरणार्थी आपको अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में भी मिलेंगे, और भारत में आपको मध्य प्रदेश की तरफ अगर आप चले जाएंगे, गुजरात की तरफ, राजस्थान की तरफ, पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान से आए हुए अधिकतर शरणार्थी मिलेंगे और कुछ अफगानिस्तान से भी मिलेंगे। वहाँ हम व्यापारी भी थे और खेती बाड़ी के भी काम करते थे, खरबूज तरबूज का भी, और व्यापारी भी थे, अपनी ज़मीनें भी थी। जैसे एक किसान लोग रहते हैं खेती बाड़ी करने वाले, ये बहुत सारे जो कैंप के अंदर रह रहे हैं सारे किसान लोग हैं ये सारे, तो उनका जो भवस जो चला है ना सारे किसानों ने चला है। केले का आम का बगीचा, जो आम होता है, आम केला जो बहुत सारे जो भी हैं। यहाँ हमारा भारत आने का सिलसिला अभी से नहीं, काफ़ी समय से है। मोस्टली जो मैंने देखा है और एनालाइज किया है कि 90 से हमारे लोग वहाँ से माइग्रेट होके आ रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा सिलसिला 2014 के आसपास और उसके बाद माइग्रेशन का जो रेशो ज़्यादा, और जैसे मोदी जी अपने इक्तदार में आए तो उसके बाद लोगों की जो चाहत ज़्यादा हुई माइग्रेट करने की, तो उसके बाद ये सिलसिला आप देखेंगे, आंकड़े उठा के देखेंगे तो 2014 के बाद लोगों का बहुत यहाँ आना हुआ है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित लोग हैं तो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स, नील समाज और मेघवाल समाज, ST और SC, ये सबसे ज़्यादा है। देखिए ये कंसिस्टेंसी वाला प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप हर हफ्ते लोग बढ़ जाते थे, अभी तो कोविड के बाद में रुक गया थोड़ा सा, वीज़ा भी नहीं मिल रहे हैं, कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, और इतने सारी पॉकेट्स में हमारे पास में लोग जब पहुंचते हैं तो मैं आपको बताता हूँ दो कारण होते हैं। एक तो उनको नागरिकता के लिए स्किल्ड टीम चाहिए होती है तो वो हमको रीच आउट करते हैं, दूसरा उनके वीज़ा एक्सटेंशन नॉर्मली हो रहे होते हैं तो उनको अपने काम धंधों में बेचारे व्यस्त रहते हैं वो नहीं आते हैं। सिटीजनशिप की अगर बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यदि लागू होता है तो राजस्थान में 37,000 लोग पात्रता पूरी करेंगे नागरिकता लेने की। ये 37,000 कौन है? जो कट ऑफ डेट उन्होंने दी, ये कट ऑफ लाइन दी 5 years की, बिफोर 5 year अराइवल होना चाहिए, वो लोग हैं। 1971 से लेके अब तक मात्र 2 लाख लोग आए हैं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो। लगभग 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इसमें क्वालिफाई होते हैं, इनमें से आधे लोग भी अगर भारत आ गए तो उनको कहाँ नौकरी दोगे?
इस बिल के जरिए आपने सपोज कर लो 50 लाख लोग ऐसे आपने शनाख्त कर ली कि ये लोग इलीगल हैं, तो उनका करोगे क्या फिर? एक शेर बोलूंगा। एक खुदा मेरे ख्वाबों को ताबीर दे, एक खुदा मेरे ख्वाबों को ताबीर दे, आसमान को चूलूं वो तकदीर दे। मेरे मालिक तेरी दुनिया में एक जहान मांगता हूँ, आए जो मुश्किल में भी तू मुझे ईमान दे। मेरी आंखें तुझे परखे वो दे दो नज़र, मेरी आंखें तुझे परखे वो दे दो नज़र, तेरी कुदरत में दिखाई मुझे भगवान दे। मैं आशिक हूँ अपनी उल्फत से मुझे अमर कर दो, मैं आशिक हूँ अपनी उल्फत से मुझे अमर कर दो, जिसे समंदर में मोती हैं दुनिया में मुझे वो नाम दे। कमल को कीचड़ में वाह क्या नज़ाकत बख्शी है, कमल को कीचड़ में वाह क्या नज़ाकत बख्शी है, मिसाल है गरीबों में बादशाही की शान दे। तू मालिक है तेरा नहीं शानी कोई, तू मालिक है तेरा नहीं शानी कोई, फिर भी मिसाल तेरा हर जगह इंसान दे। अमरजीत के हर सर ज़मीन पे टिके हों, अमरजीत के पैर ज़मीन पे टिके हों, मगर सर रहे ऊंचा वो आसमान दे। यहाँ तक आना भी बहुत बड़ा इनके लिए चुनौती होती है, क्योंकि हर कोई भी वहाँ से नहीं आ सकता। एक तो वहाँ पे एक पासपोर्ट भी आप देखेंगे तो 5-5, 10-10 हज़ार का एक पासपोर्ट बनता है। वीज़ा में वहाँ पे भ्रष्टाचार इतना है कि एक वीज़ा एक पासपोर्ट बनवाने में भी एक व्यक्ति पे कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। और घर में अगर 10 या 12 सदस्य हैं तो आप लगा लीजिए, तो कोई वहाँ पे अपना बड़ी मुश्किल से सीने पे पत्थर रखे, क्योंकि हम तो कॉलेज लाइफ से गुजरे थे तो हमें पता है अगर हम एक रूम से दूसरा रूम भी चेंज करते थे तो हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ये लोग तो अपना पूरा एक देश से दूसरा देश सब कुछ छोड़ के आते हैं, तो कोई अपना वहाँ पे बकरियाँ बेचता है, कोई अपना घर बेचता है, कोई अपनी भैंसें बेचता है, कोई सोना चांदी बेचता है, ये सब बेच के ये बड़ा मतलब आसान नहीं होता अपना जहाँ पे जन्म हुआ उनका वहाँ पे, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर भारत की तरफ आना। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगाइएगा कि कितनी बड़ी समस्या का सामना कर रहा होगा वो व्यक्ति जो अपना सब कुछ छोड़ के भारत आने के लिए तैयार है। देखिए बेसिकली भारत आने के लिए किसी भी लेमैन को जो वीज़ा मिलते हैं वो जो दो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिसिंग वीज़ाज हैं वो है, एक तो स्पॉन्सर वीज़ा जो 90 दिन का होता है और आप उसी शहर में जाते हो जहाँ आपका स्पॉन्सर रहता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिसिंग वीज़ा अब बन गया है वो है रिलीजियस वीज़ा, धार्मिक जत्थे लेके हरिद्वार की या हरमिंदर साहिब की अमृतसर की यात्राओं पे लोग आते हैं। जो 90 दिन वाला वीज़ा है उसमें तो नेहरू लियाकत पैक्ट के अनुसार अगर वो शरण की एप्लीकेशन पाकिस्तानी या अफगान माइनॉरिटी लगाता है तो भारत सरकार को शरण देना अनिवार्य है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट से नो विदाउट एनी लेजिटिमेट और नेशनल सिक्योरिटी रीजन, तो इनको शरण सबको मिल जाती है। दूसरा है जब ये देखा हमारे एस्टैब्लिशमेंट ने 2011-12-13 के दौर में कि ये तो भारत जा रहे हैं वापस ही नहीं आ रहे, ये 90 दिन का वीज़ा लेके जाते हैं तो जाते ही 30 दिन के अंदर अंदर अपनी असाइलम की एप्लीकेशन लगा देते हैं, तो इनको रोकना पड़ेगा। तो उन्होंने उस प्रकार के वीज़ाओं को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो लोगों ने प्लान बी अपनाया, उन्होंने जत्थे की वीज़ा बनवाई इधर आश्रमों से इधर उधर से कहीं से लिखवा के या अस्थियां विसर्जन करने के नाम पे। तो ये जब हुआ तो इस परिस्थिति में एक नई कहानी बनती है, नई कहानी ये बनती है कि इन्होंने धार्मिक वीज़ा लेने शुरू कर दिए। धार्मिक वीज़ा 30 दिन का होता है, 29th डे पे यू हैव टू गो बैक, आपको वापस जाना ही पड़ेगा। अब अगर कोई 29वें दिन वापस लौट के 30वें दिन पाकिस्तान के बॉर्डर में एंटर नहीं हुआ तो इसका मतलब अब वो भारत में अवैध रूप से रह रहा है। देखो भाई अपनी जन्मभूमि जो अपनी छोड़ के जो इंसान निकलता वहाँ से
तो कोई मजबूरी होगी तब तो निकलते हैं वहाँ से। तो बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे थी, बहुत सारी थी। वहाँ तो होली दिवाली और त्योहार का तो कोई पता नहीं, रात को छुप के घर में दिवाले और फटाके और दिए जला लेते हैं। होली दिवाली तो हम करते, होली तो करते नहीं है, रंग डालेंगे चिल्लाएंगे कुछ करेंगे तो हम अंदर ही अंदर करते हैं, किसी को पता नहीं चले। ये इशू हो जाए तो लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, इसीलिए धर्म का वहाँ पता नहीं है वैसे। सर मैं डॉक्टर नूर जी भील पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरी एडमिशन MBBS में हुई और होने के बाद 2000 में मैं पास आउट हूँ MBBS, और 2000 में पास होने के बाद एक साल तक वहाँ मैंने प्रैक्टिस के लिए किया। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ वहाँ आई, कुछ गुंडे क्लिनिक पे आए थे वहाँ पाकिस्तान में, तो एक साल में मुझे दो बार अटैक किया था कुछ गुंडों ने पिस्टल की नोक पे, कि आप हिंदू या भील होते हुए यहाँ कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं या कैसे डॉक्टर बने हैं आप, आपका तो डॉक्टर बनना ही नहीं है, आपको तो या तो किसी की गुलामी करनी है या कोई आप हमारे कोई भी लो के डिग्री के काम वो ही करने हैं, आप कैसे सर उठा के ये डॉक्टर बन गए हैं। सर मेरे पे दो बार अटैक हुआ था पिस्टल की नोक पे, और फिर जो है हम वहाँ पे भी हरास थे और प्रेशर था ज़रूर, वहाँ इस्लाम कंट्री है तो कन्वर्जन का प्रेशर था, हमें ज़रूर धमकियाँ भी मिल रही थी कि आप जो है यहाँ तो कन्वर्जन हो जाओ तभी आप ये डॉक्टर बन के अपना यहाँ पेशा कर सकते हैं। लेकिन हमने सर अपना कन्वर्जन, हम हिंदू हैं तो हिंदू रह के हमने वो उनसे रिफ्यूज़ किया और वही प्लान बनाया कि हम अपने देश भारत जाएंगे। एक नीडल सिलाई करने वाली, वो नीडल चुभ गई थी, क्रॉस हो गई थी फिंगर में, टिप ऑफ द फिंगर, उसमें ये जॉइंट में, तो वो लेके आए इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी में हमने सिर्फ छोटा सा ही प्रोसीजर था स्टरलाइज करके, वो सारा के जैसे मेडिकल एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है, तो उसमें वो स्टरलाइज करके लोकल वगैरह दे के वो नीडल निकाल दी, और उसका जो अपने काउंटर पे जो जो एक मुनासिब चार्ज था वो मांगा, तो उस पर वो भड़क गए कि भाई आप ज़्यादा चार्ज ले रहे हो। तो सिर्फ यही बात थी और उस पर थोड़ा यानी बहसबाजी हो गई, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के अंदर अंदर उन लोगों का पूरा गैंग आता है और पूरी हमारी हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करता है। तो फिर हमने भी मजामत की, फिर सामना किया। उसके बाद जब मामला, हमारा स्टाफ थोड़ा ज़्यादा था तो उनको पकड़ने की ऐसी कोशिश की, तो फिर उन्होंने फायर कर दिया, जिसमें 2-3 बुलेट्स मेरे को भी लग गई और भाई मेरे वहाँ पर मौजूद थे उनको भी लग गई, और ये कंडीशन थी वहाँ की। 1997 की बात है कि कुछ गुंडे बदमाश घर पे आए, उन्होंने मेरे अंकल को, रियल अंकल को किडनैप कर लिया, और किडनैप करने के बाद 3-4 दिन तक वो गायब ही था, और उस किडनैपिंग की फिरौती मांग रहे थे, फिरौती दें या इसको हम मारेंगे। लेकिन जैसे तैसे फिरौती तो हमारे पास थी नहीं, पैसा तो था नहीं, लेकिन उनको अंकल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, मारा पीटा, और फिर बड़ी मुश्किल से वो कैसे पता नहीं जान बचा के भाग के उस चंबल से वो निकला, और फिर घर पहुंचने के बाद अंदर से वो हमारा था कि हम अपने हिंदू देश जाएंगे, हिंदुस्तान, और फिर बड़ी मुश्किल से हम जान बचा के यहाँ आए। सबसे ज़्यादा तो लूट मार वाला ही था मामला, लूट लेते थे, मार लेते थे, ठीक है, और किसी की बच्ची उठा लेते थे तो उसकी कोई सुनवाई वगैरह नहीं होती थी, बस आस पड़ोस में होता था, वो समझो हिंदुओं के साथ हो रहा है तो हमारे साथ ही हो रहा है, हम भी हिंदू हैं, बस वहाँ पे होती है लूट मार होती थी, ठीक है, जैसे कोई मोटरसाइकिल वगैरह आया कुछ भी है या कोई डाकू आ जाते थे घर में तो उसकी कोई सुनवाई वगैरह नहीं होती थी, ना रिपोर्ट ना पुलिस वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, फिर वहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा जहाँ पे इंसाफ ही नहीं मिले। इस वजह से दूसरों के साथ हो रहा तो हमारा भी नंबर लगना ही था, ठीक है ना, इस वजह से छोड़ के आ गए। 2 साल इधर हो गए हैं, उधर पाकिस्तान में ही करते थे बाड़ी खेती के, उधर ही काम करते थे, इधर भी करते हैं, दिक्कत तो उधर कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे थे, हिसाब किताब नहीं दे रहे थे, जो दिक्कत ही है वो खा जाते थे, फिर तो इधर आए, आपका मुल्क है, अपना आपरा का ही मुल्क है। धार्मिक स्वतंत्रता अगर हम कम शब्दों में कहें तो वो वहाँ पे इनके लिए नहीं है, ये खुले तौर पे वहाँ पे दिवाली नहीं मना सकते, ये खुले तौर पे हिंदू वहाँ का होली नहीं मना सकता। अगर घर पे कोई नया घर बना रहा है और पूजा कर रहा है
और पूजा का धुआं का उड़ के किसी मुस्लिम के घर में भी चला गया तो वो भी आके फिर इन पे प्रताड़ना करता है, इनको उल्टा सीधा बोलता है। अगर ये अपने घर के बाहर कोई स्मृति चिन्ह लगा लें, जैसे आप अगर मुस्लिम समुदाय में देखेंगे तो वो अपने प्रतीक 3, 7, 8, 6 लगाते हैं या चांद तारा लगा लेते हैं अपने घरों के बाहर। और भारत में भी अगर हम लगाते हैं अपने घरों के बाहर गणेश की मूर्ति लगाते हैं हिंदू धर्म के जो लोग हैं, कोई किसी अपने जिस भगवान को मानता है वो लगाता है, लेकिन वहाँ पे अगर ये कैसे भी प्रतीक चिन्ह लगा लेते हैं ओम का या किसी चीज़ का, तो फिर उसका भी सामना इनको कई बार तो अपनी जान दे के चुकाना पड़ता है। तो ये है वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अपनी धार्मिक स्वतंत्रता वहाँ पे अपने धर्म को लेकर ही आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी बहन बेटियों को खुले तौर पर वहाँ पे स्कूलों में, वहाँ पे आप देखेंगे तो महिलाओं का साक्षर दर लगभग 0 है, क्योंकि कोई अपनी बहनों को बेटियों को वहाँ पे स्कूल नहीं भेजना चाहता, क्योंकि कब अपहरण हो जाए ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में कोई गारंटी नहीं है। तो यह कारण है कि अपने बीबी बच्चों के लिए और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बचाने के लिए, उनके भविष्य को रखने के लिए, संरक्षण बच्चों के, तो ये कोशिश करते हैं कि हम भारत की तरफ किसी भी तरीके से आए, वहाँ पे या तो धर्म परिवर्तन करके रह ले तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। 100% है। एट्रोसिटीज़ की लेवल बढ़ गई है, एट्रोसिटीज़ की संख्या बढ़ गई है, एट्रोसिटीज़ की इंटेंसिटी बढ़ गई है इतनी तीव्रता से। हमारा एक कार्यकर्ता वहाँ था बेचारा, उसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उसको मार मार के उसकी बॉडी में 23 फ्रैक्चर किए गए, वो आज चलने लायक नहीं है वो व्यक्ति, और जवान लड़का 27 साल का। नए नए तरीके ये लोग आविष्कार करके हिंदू बच्चियों का बलात्कार करते हैं, हिंदू बच्चियों के साथ में उनका शोषण करते हैं, किसी को कोई 2-2 साल पुराने केसेस को जब हम खंगालते हैं कि जैसे रीना रवीना बच्ची थी वो उठी थी आज से 2 वर्ष पहले, अब कहाँ है? तो उन्हें से एक बच्ची मिलती है लाहौर के किसी वेश्यालय में, ऐसे तो आपने बड़ी गाजे-बाजे शादी की थी और कहा था इस्लाम कबूल कर लिया और ये हमारी हो गई है, और आज वो एक वेश्यालय में बैठी हुई है वो बच्ची। वो अपना वीडियो देने को डरती है क्योंकि उसको गर्दन काट देंगे, जीवन तो उसको भी प्यारा है अपना, चाहे वेश्यावृत्ति में ही सही। तो ये दुर्भाग्य है, ये सब एट्रोसिटीज तो इनकी बढ़ी है। वो मियाँ मिट्टू जो है वो और भी खुल के खेल रहा है और भी अपने लोगों को प्रोवोक कर रहा है, आए दिन इनको इनको लज्जा भी नहीं आती है। इनके मिनिस्टर्स और इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो तो खुल के हिंदू विरोधी बातें करते हैं। कि अभी मेरी बेटी भी 8-9 साल की है, कोई जिहादी गन पॉइंट पे मेरी बेटी को मुझसे छीन के ले जाए और सेम डे अगर वो उसका जबरन धर्मांतरण करवा के और 4 गुना 5 गुना बड़े उम्र के आदमी से उसका निकाह करा दे, तो एक पिता होने के नाते मेरा जीवन लगभग समाप्त हो जाएगा। देखिए ये एक नेक्सस काम करता है पाकिस्तान में, मीर पीर वढेरा, जागीरदारों की यानी वढेरों की प्राइवेट जेलें हैं, उनको पनिश करने के लिए अपनी जेलों में रखते हैं, इनकी बच्चियों को भोगदासी बना लेते हैं, और मीर यानी पूर्व राजा, यानी जागीरदार पूर्व राजा और पीर, दरगाहों के चिश्ती, मौलाना, मुल्ला, मौलवी, पीरजान सरंदी, मियां मिट्टू, ये ऐसे लोग हैं जिनके आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे कि 10 लाख काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए मुझे अल्लाह ने भेजा है, और कोई भी हिंदू बच्ची उठाई जाती है तो अगले दिन उसका वीडियो आ जाता है इनकी दरगाह में कलमा पढ़ते हुए, बाय फोर्स कलमा पढ़वाया जाता है, कितने ही सारे केसेस हैं। तो ये जो नेक्सस है ये हिंदुओं की तबाही के लिए, सिखों की तबाही के लिए, माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे काम कर रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। और इसकी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो दिखने के लिए बहुत मॉडरेट और सेकुलर पार्टी बनती है, लेकिन सिंध पे वो कई सालों से राज कर रहे हैं, आई थिंक 30-35 साल से उनका कंसिस्टेंसी से वहाँ पे सरकार है, हुकूमत है, लेकिन वहाँ एक भी बच्ची लौट के वापस माता पिता को प्राप्त नहीं होती है। और अभी एंटी कन्वर्जन लॉ भी लाए थे सिंध की असेंबली में, एक प्राइवेट मेंबर लेके आए थे, मतलब एक मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे, सदन के लोगों ने मानवीय आधार पे उसको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन मुल्ला मौलाना बीच में कूद गए। तो वहाँ पे अब किसी भी माइनॉरिटी के लिए रहना लगभग असंभव हो गया है, और प्रताड़नाओं की सारी सीमाएँ वो लोग लांग चुके हैं। जो अच्छे रिच बिजनेसमैन हिंदू हैं ऐसे भी हैं वहाँ पे, तो वो लोगों की स्थिति ये है कि जब इलेक्शन होता है सिंध में या बलूचिस्तान में, तो सिंध के हिंदू व्यापारियों को किडनैप करके उसकी रैंसम से नेता लोग चुनाव लड़ते हैं। तो जो कभी हमारे यहाँ बिहार के बारे में कहा जाता था कि अपहरण एक वहाँ पे पूरा एक उद्योग है, वो उद्योग पाकिस्तान में बंद ही नहीं, वहाँ चलता ही रहता है, और उसका सारा का सारा जो पीड़ा है वो माइनॉरिटीज़ को, हिंदुओं को, सिखों को, इन लोगों को भोगनी पड़ती है। तो अलग अलग स्टेट्स में इनका लेवल ऑफ पर्सिक्यूशन अलग अलग है, बट मोटे तौर पे यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट कहती है, और अभी भी एक ब्रिटिश
पार्लियामेंटेरियंस की रिपोर्ट आई है कि 3 हिंदू बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में उनके घरों से उठाई जाती हैं। ये हिंसा और ये बलात्कार तो हमारे समाज के साथ आज 21वीं शताब्दी में 2021 के अंदर हो रहा है, हमारी नाक के नीचे, हमारी आंखों के सामने। One desperate Hindu father did wage a high-profile legal battle. Hari Lal alleged his 2 teenage daughters were kidnapped in March 2019 and forcibly converted. Authorities eventually agreed to investigate after he threatened to kill himself outside a police station and the video went viral. देखिए, ये जो बच्चियों के विरुद्ध फोर्स कन्वर्जन, किडनैपिंग, अडक्शन, ये सब चीज़ें हो रही हैं, हम कहते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अब वेस्ट की दुनिया में या सिविलाइज वर्ल्ड में किसी को ये समझ में ही नहीं आता कि 21वीं शताब्दी में बच्चियों की किडनैपिंग, उनका फोर्स कन्वर्जन, उनका जबरन धर्मांतरण, उनके दुगनी चौगुनी उम्र के लोगों से निकाह और एंड में उनको फ्लैश ट्रेड में बेच देना, ये एक पूरी क्रोनोलॉजी है। अब इसको प्रूव कैसे करें, तो प्रूव करने के लिए रिंकल कुमारी केस की बार बार बात की जाती है ना। एक माइनर बच्ची गोटकी नामक जिले से किडनैप होती है, किडनैप होने के बाद में वो बच्ची कहीं मिलती नहीं है एक दो दिन, उसके माता पिता पुलिस में जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, चारों तरफ गुहार लगाते हैं, बच्ची को एक बार भी एक क्षण के लिए भी माता पिता से नहीं मिलने दिया जाता। और बच्ची कोर्ट में रो रही है, उसका सूजा हुआ मुंह, उसकी पिटी हुई, उसकी सूजी हुई आंखें, उसके पिटे हुए चेहरे को बार बार आप मार्क करके देख सकते हो, पर बच्ची को एक क्षण भी माता पिता से ना तो नारी निकेतन में बात करने दी जाती है, ना कहीं और करने दी जाती है। मियां मिट्टू बरचंडी शरीफ दरगाह का चिश्ती, वो अपनी प्राइवेट मिलिशिया, प्राइवेट आर्मी लेकर के उस लड़के को गार्ड करता और रिंकल कुमारी को अपने कब्जे में रखता है। ये पूरी दुनिया ने देखा, ये सारे मीडिया चैनलों ने देखा, और कुल मिला के वो बच्ची थ्रेटन्ड है, ये सबको दिखाई दे रहा है। एंड में क्या होता है, माता पिता केस लड़ते लड़ते पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। मुशर्रफ के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले एक बड़े रिफॉर्मर जज माने जाते हैं, इफ्तिकार चौधरी, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं रिंकल कुमारी केस में 2012 में, और डबल बेंच में सुनवाई होती है। बच्ची को कोर्ट में पेश होने के आदेश पहले वाली तारीख में हो चुके होते हैं। माता पिता को बड़ी उम्मीद होती है कि बच्ची हमारी आज हमें सुप्रीम कोर्ट तो लौटा ही देगा, और सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट होते हैं और माता पिता का वकील कहता है कि साहब जबरन ले गए, बच्ची को मिलने नहीं दिया जा रहा, मियां मिट्टू की प्राइवेट मिलिशिया गार्ड कर रही है, पूरा एक रेडिकल तंत्र चल रहा है और माता पिता से बात तक नहीं करने दिया जा रहा बच्ची को, ऐसा कैसा निजाम है हमारा। और जो किडनैपर है उनके पक्ष का वकील ये कहता है कि उस लड़की ने अपना एक 100 रुपए का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प दिया है कि उसने अपने माँ बाप को अपनी मर्जी से छोड़ा है, उसने अपने पति से मर्जी से निकाह किया और उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। लड़की को कोर्ट में बुलाया जाता है, लड़की ये कहती है कि जज साहब मुझे ये जबरदस्ती उठा के ले गया, मैं रो रो के थक गई हूँ, मैं बस मरना ही मेरा बाकी है, और इन्होंने मुझे हमेशा थ्रेट दी कि तू हमारे खिलाफ जाएगी तो हम तेरे माँ बाप को और तेरे भाइयों को सबको मरवा देंगे, ठीक है। और हुआ क्या, फैसला क्या आता है, फैसला ये आता है साहब कि सुप्रीम कोर्ट की डीवी में लोग ये कहते हैं, जज लोग ये कहते हैं कि लड़की ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये कहा है कि मैंने मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, मर्जी से निकाह किया है, इसको अपने पति के साथ भेज दिया जाए, जबकि लड़की वहां कह रही है मेरे टुकड़े करके दफना दो कोर्ट में, पर मुझे इन राक्षसों के साथ वापस मत भेजो, मैं मेरे माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। लड़की की फिजिकल सुप्रीम कोर्ट में दी हुई गवाही की कोई वैल्यू नहीं रही और उस बच्ची को उन राक्षसों को वापस दे दिया। उसके गुहार लगाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में चिल्लाने के बाद, रोने के बाद, तड़फने के बाद, तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है जिसमें सरकार शामिल है, जिसमें पुलिस शामिल है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है,
और जिसमें मीर पीर वडेरा का नेक्सस शामिल है, इसलिए रिंकल कुमारी केस की बार बार बात की जाती है। अभी वहां की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बोल दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, अभी रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है 5 दिन पहले, शायद 19 तारीख को पब्लिश हुई होगी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ये तो उनके दोनों सदनों की समिति के सांसदों की रिसर्च फिर यही बात कह रही है, ये डेटा ऑफिशियल है। हमारे भील मेघवाल इंटीरियर में फंसे हुए निर्धन दलित ट्राइबल हिंदू, उनकी बच्चियां चली जाती हैं भैया, उनकी क्षमता नहीं है थाने में जाने की। Unreported cases इससे 10 गुना ज्यादा है। Latest, a 14-year-old girl was kidnapped, forcibly converted and even married to her abductor Abdul Sabur in Sindh Province's Mori district. दिन दहाड़े हिंदू बेटियों को अगवा किया जाता है, उसके बाद उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना दिया जाता है। उन्होंने बोला मैं मुसलमान हो गया, ना हमें मिलाया गया है, ना हमें कोई पता है, 5 दिन से मैं ये रुला रहे हैं, पता नहीं उनसे हमारी बेटी ने क्या 5 दिनों में पता नहीं कितना जुल्म किया होगा। Hindus are being hunted under Nawaz Sharif's watch in Pakistan. The men looted, stabbed and shot, and now families are marching on the streets as their girls are being stopped, abducted and converted. देखिए अफगानिस्तान में तो अब खत्म हो गया परसिक्यूशन, क्योंकि वहां पे कोई बचे ही नहीं। उन्होंने आपकी हमारी पूरी एथनिक क्लींजिंग, सांस्कृतिक नरसंहार कर दिया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान उसी पैटर्न पे है, तो बांग्लादेश में एथनिक क्लींजिंग की स्पीड बहुत तेज इसलिए नहीं है, वो अंदर खाने ज्यादा चलती है। पाकिस्तान में क्या, अब आप जरा से बचे हो, अब इट इज अ मैटर ऑफ हार्डली 5 or 7 or 10 years, इतने साल में वहां पे माइनॉरिटी जीरो हो जाएगी, बचेगी नहीं। फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि ये बिल का इस देश में रहने वाले इस देश के नागरिक मुसलमानों से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है, उनके साथ कोई अन्याय का सवाल नहीं है। कि शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच में मौलिक अंतर है, शरणार्थियों के लिए है ये बिल, धार्मिक लघुमतियों के लिए। वो एक्चुअली ना वो रिंकल कुमारी केस से मार्क हो गया सच्चा, उन्होंने बहुत लड़ाई रिंकल कुमारी के परिवार के साथ में लड़ी, बाकी बच्चियों के लिए भी लड़ी। असद भाई वैसे तो मुस्लिम है और सुन्नी मुस्लिम है, सिंध के हैं, सिंधी हैं, तो हम अपना वचन नहीं निभा रहे इनके साथ धोखा करके इनकी बच्चियां उठा के, ऐसा असद भाई का एक थॉट प्रोसेस था, विच वॉज वेरी लेजिटिमेट। एक भी कोई भी गंभीर व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति जिसकी आत्मा जीवित है, जिसका जो सोचने समझने की एक इंसान के नाते क्षमता रखता हो, ऐसी बात करेगा
तो मार्क हो गए, तो फिर क्या है कि पाकिस्तान की बदनामी बहुत होने लगी बच्चियों के मामले पे, और उन्होंने इस इशू को ग्लोबल करने में हमारी काफ़ी सहायता की, तो उनको फिर लास्ट में 2015 में, उनको 2014 में बड़ा टॉर्चर किया गया, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची, फिर कुछ हमारे जैसे दोस्तों की मदद से कैसे ना कैसे करके बेचारे असाइलम पे अभी कहीं अमेरिका में रह रहे हैं। देखिए दुर्भाग्यवश जो कोरोना काल हुआ है इसमें मार्च 2020 से लेके अब तक, यानी लगभग 18 महीने में 20 महीने में 9000 पाकिस्तानी हिंदू फैमिलीज इस्लाम ग्रहण कर चुकी हैं। खाना, बच्चे को खाना भूखा मरते हुए तो नहीं देख सकता ना कोई भी, कब तक वो धर्म की बुद्ध गुहार लगाएगा। रोते रोते फोन आते हैं वहां से कि साहब हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो CAA वॉज अ मैसेज कि भारत का राज्य, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत के हिंदू आपका दर्द अनुभव करते हैं। और जो ऐतिहासिक भूल, जो हिस्टोरिकल ब्लंडर हुआ है उसको करेक्ट करने का संकल्प इस सरकार ने लिया और इसके लिए हम बहुत उनके आभारी हैं। CAA सेंट अ वेरी पॉजिटिव मैसेज अमंग्स द हिंदूज एंड सरदार्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली क्रिश्चियंस आल्सो, बिकॉज़ देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान हु वर ओरिजिनली हिंदूज, बट इवन टू देम बहुत बड़ी एक मैसेज गया है। जो CAA जो था वो मेरे लिए एक आशातीत कदम था, क्योंकि नागरिकता होगी तो हम सुखी होंगे, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं जॉब कर सकते हैं, बच्चे हमारे पुलिस वाले इंजीनियर सब कुछ बन सकता है, और खेतीबाड़ी भी कर सकते हैं। नागरिकता का है यही है प्रॉब्लम, बाकी और कुछ नहीं है। जब CAA बिल पास हुआ था तो इतनी खुशी हुई थी जो हम खुशी समेट नहीं पाए थे आज, और वो हमें यादें आती हैं 2019 की। लेकिन हमने तो इतना भी कह दिया, हमारी जो पोती पैदा हुई थी उनका नाम ही हमने नागरिकता रखा था यहाँ पे। CAA भी कानून अभी लाए हैं, वे भारत की आत्मा को तार तार कर देगा। Northeast Delhi, over the amended citizenship law, has so far claimed 38 lives. Over 200 people have been injured in the violence. People across districts in Uttar Pradesh took to the streets to express their resentment against the controversial law, stating that this law goes against the very principles of the Indian Constitution. But the state government has, of course, imposed prohibitory orders on the people. We're trying to instigate the precisely, and that is why they must take responsibility. It is quite clear that there is complete pandemonium, especially in Muslim majority areas. Oh,
हम खुद गए थे शाहीनबाग कुछ शरणार्थियों को लेकर कर। हमने बोला था कि आप एक बार सब ये रिफ्यूजी कैंपों में आओ, जो जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो पूरे भारत में कहीं पर भी कर रहे हो, आप एक बार हमारे शरणार्थी कैंप में आओ, आप यहाँ पे आके इनसे मिलो, आप इनसे बात करो जो पाकिस्तान से आए। हमने वहाँ पे भी कई लोगों को जाके बोला कि आप किस लिए विरोध कर रहे हो। मैंने बोला आप आइए, आप इनके साथ खाना खाइए, बैठिए, एक दिन तो बिताइए कि ये पिछले 8 साल से 7 साल से जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ सुविधाएँ नहीं है, चारों तरफ डंपिंग एरिया है, कूड़े की 24 घंटे बदबू आती है, ये वहाँ पे रह रहे हैं। अगर ऐसे लोगों के लिए सरकार एक कदम आगे बढ़ाना चाहती है तो आप लोगों को उसमें दिक्कत क्या है? इससे तो सीधा सीधा ये हो गया कि आप किसी भी गरीब को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आप उसको वो चीज़ मिल रही है, आप उसको देना नहीं चाहते। ये तो आप धार्मिक रूप से भी और मानवता के रूप से भी ये आप उसका विरोध कर रहे हो। तो आप सीए सिर्फ सीए का विरोध नहीं कर रहे, आप मानवता का विरोध कर रहे हो। कर्म का सिद्धांत तो इनफैलिबल है ना, कर्म के से ऊपर तो कोई भी नहीं जा पाया, कृष्ण स्वयं नहीं जा पाए। जैसे कर्म करेगा वो भुगतेगा। आपने अपने आप को एजुकेट किए बिना अगर इस विषय पर पाकिस्तानी हिंदुओं के विरोध में एक स्टैंड लिया है तो उनका श्राप तो आपको लगेगा, उसका मूल्य चुकाएंगे लोग। ये पूरी पार्टी झूठ बोल रही है, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। जब मैं इनसे कहता हूं कि अगर ये एंटी मुस्लिम एक्ट है तो ये नेहरू ने एंटी मुस्लिम क्लॉजेज क्यों बनाया इसके अंदर? यू हैव टू क्वेश्चन योर रिजीम कि नेहरू जी की सरकार ने ऐसे कानून क्यों बनाया। अरे भाई, समय की ये मांग थी। पाकिस्तान में माइनॉरिटी पे 5-6 साल में अत्याचार चालू हो गए थे, वो बेचारे यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? नेहरू लियाकत पैक्ट में तय हो गया था, जो तय किया, जो वचनबद्धता थी उसको निभाने के लिए रेरिया रेरिया के आचार्य जेबी कृपलानी ने सिटीजनशिप एक्ट ड्राफ्ट करवाया और वो संसदों में पास हुआ दोनों सदनों में। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जान कुर्बान करने वाले आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की, जिन्होंने अपने फर्ज की खातिर और दंगे को रोकने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। ताहिर हुसैन, suspended Aam Aadmi Party councillor, has revealed that he wanted to teach Hindus a lesson using his political power and money. सरकार भी बहुत सारी जगह अपनी स्पाइन, अपनी रीढ़ सीधी करके दिखा नहीं रही है। हम तो मोदी जी का एहसान मानते हैं, अमित शाह जी का बहुत बड़ा उपकार मानते हैं निरीह बच्चियों को बचाने के लिए। हमने तो इनका खुले कंठ से गुणगान किया है, पर 2 साल से नियम लागू नहीं हो रहे। स्पाइन बहुत बार सरकार की नहीं नजर आती, मैंने आपको पहले भी कहा है। और मेन दिक्कत यह है कि यहाँ लाइट की नहीं है, सीवर नहीं है, लाइट नहीं है, सीवर लाइन नहीं है और बिजली नहीं है। और साहब को बोलूँ, कुछ रोड रास्ते पक्के नहीं है, बाकी मेहनत कर रहे हैं भैया, 200-400 रुपया कमा रहे, बड़ा आनंद आ रहा, खुश है बिल्कुल। भाई साहब, प्राथमिक तौर पर जब ये आते हैं ऐसे किसी भी स्थान पर तो ये लगभग 0 होके ही आते हैं, कुछ नहीं होता है। तो कोई संबंधित व्यक्ति या कोई संस्थान या कोई सहयोगी लोग उनकी मदद करते हैं। कुछ लोग हैं जो इनके लिए ही सिर्फ काम करते हैं सहयोग के लिए, तो उनके लिए बर्मा लगवाना, इनके लिए घर बनवाना, इनके लिए शुरू में ज़मीन पे लेटेंगे, यहाँ पे सांप हैं, नेवले हैं, जानवर हैं, बच्चों को नुकसान हो तो खाटों की व्यवस्था करवाना, सर्दी के लिए उड़ने के लिए कंबल की व्यवस्था करवाना, रोज़गार की व्यवस्था दिलवाना, कुछ काम करेंगे तो बच्चों को पालेंगे। तो ये सब प्रारंभिक समस्याओं में इनको सहयोग करना होता है, बाद में फिर ये अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं तो फिर गाड़ी चलती है आगे, ऐसा होता है। तो शुरू में इनको मदद करनी होती है, वीज़ा से लेकर पूरा बसाने तक को लेकर के। दैनिक दिनचर्या में अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जल का ही कार्य या काम होता है, तो यहाँ पे जल की कोई ऐसा कुछ है नहीं, व्यवस्था नहीं है ना, बिजली की व्यवस्था है। तो ज़मीन में हैंडपम्प गाड़ देते हैं, और चूँकि दिल्ली का पानी दूषित है, हैंडपम्प का तो पीने योग्य तो होता नहीं है, तो उससे बर्तन धुल जाते हैं, बाकी के कपड़े धुल जाते हैं,
साफ सफाई हो जाती है, लेकिन पीने के लिए पास में ही दिल्ली जल बोर्ड का एक ऑफिस है, वहाँ पे आग्रह कर लेते हैं तो 2-3 दिन में यहाँ पे एक बार टैंकर आ जाता है पानी पीने वाला दिल्ली जल बोर्ड का, तो उसमें से सब पानी पीने वाला पानी भर लेते हैं। तो ये अगर डॉक्यूमेंट के आधार पे देखेंगे तो दिक्कत है, इनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आग्रह कर लेते हैं ऐसे ही मानवता के नाते, उनका हाथ जोड़ लेते हैं तो वो मान जाते हैं, स्थानीय जो कुछ नेता होते हैं उनके आगे आग्रह कर लेते हैं तो वो आग्रह स्वीकार कर लेते हैं तो भेज देते हैं टैंकर। ये होता है, डॉक्यूमेंट तो इनके पास कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको भारत की सुविधा मिल सके। हेल्थ इश्यूज बहुत खराब है क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं वहाँ हेपेटाइटिस बी इज एंडेमिक। आई मीन इट्स लाइक 5-10% ऑफ द पॉपुलेशन, जो हमारे देश के अंदर 1-2% भी नहीं होगा शायद। तो हम लोग तो एक हेल्दी समाज है, भारतीय समाज तो, और वो एक बिल्कुल डिजीज समाज है, और ये तो उसके बिल्कुल लोएस्ट रंग में है उस पिरामिड के। तो इनको तो कोई हेल्थ सर्विसेज, बहुत हाई इंसिडेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड मैल न्यूट्रिशन और सब वो है। और एज डॉक्टर्स हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से हमारे को सब डॉक्टर्स का सपोर्ट है, पर ये काम मैं जयपुर में बैठे बैठे कर पाता हूँ कि जयपुर के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT मैं खुद हूँ, आई सर्जन, सोनोग्राफी मेरी वाइफ करती है, हम सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तानी हिंदूज को देते हैं वो। और इवन गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है इसके अंदर, गवर्नमेंट का हमारे को बिल्कुल ओपन सपोर्ट है, इनको हम फ्री सर्विसेज दिलवा पाते हैं, हेल्थ इश्यूज आर टेकन केयर ऑफ। अब जो जेनेरिकली बेचारे इनहेरिट करके लाए पाकिस्तान से, उसका तो क्या किया जा सकता है, बट अदरवाइज हेल्थ इश्यूज के कारण किसी को ना किसी को कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, ना किसी को ऐसे सड़क पर मरने दिया जाता है। इवन कोरोना काल के अंदर देवर टेकन केयर ऑफ। हॉस्पिटल के भी बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, तो सरकार से हमारा ये निवेदन, हमारा कोई शरणार्थियों के लिए ऐसा कोई मतलब वो बनाया जाए, कार्ड बनाया जाए, ताकि हमें सरकार के तरफ से अपना हॉस्पिटल में अच्छी तरह हमें जिस तरीके से हमें सुविधा मिल सके वहाँ की। किसी को बुखार हो गया या किसी को डेंगू हो गया, अभी भी सिग्नेचर पुल पे हमारा एक और कैंप है जहाँ तो लाइट भी नहीं है, ना पानी की व्यवस्था बिल्कुल ही कम है, सिर्फ एक टैंकर आ रहा था, अभी कुछ मेरे हिसाब से बड़ा है, लेकिन वहाँ मच्छर इतने हैं ज़्यादा, जिसकी हालत से एक डेंगू में 3 मेरे ख्याल में बच्चे थे उस महिला के, उसका डेथ हो गया है। हमने बहुत सा प्रयास किया, सरकार से भी कहा और दिल्ली सरकार से भी कहा, ऐसा नहीं, मिले भी हैं हम CM साहब से, लेकिन जब भी आज तक कोई नतीजा सामने नहीं आया कि हाँ या ना, दिल्ली सरकार कहती हमारे हाथ में है नहीं। बेसिक लिटरेसी तो होनी चाहिए कि वो सिग्नेचर कर सके, उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई फोर्जरी ना कर सके। तो बहुत करुणापूर्ण तरीके से जयपुर के जोधपुर के स्कूल्स ने हमें इन बच्चों को एडमिशन दिया है, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में RTE के माध्यम से इन बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है। बहुत से बच्चों की एजुकेशन निमित्त हमने फंड किया, हायर एजुकेशन जो कि कॉस्टली होती है, मेडिकल स्कूल की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, वो हम लोग ज़्यादा सामर्थ्य हमारे पास जितना पैसा आता जाएगा उतना हम करते जाएंगे, जितना पैसा हमारे पास में उसके अनुसार ज़्यादा नहीं 3-4 बच्चों की हमने सहायता की है, लेकिन हजारों बच्चों को RTE के माध्यम से हम बेसिक प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन दिलवा रहे हैं। 2012 में एक ऑर्डर राज्य सरकार से हमने कराया था, और इस ऑर्डर के लिए मैं गहलोत साहब की सरकार की हमेशा तारीफ भी किया करता था। एज ए लीडर गहलोत साहब ने इस इशू पे और सभी पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्रियों से अधिक काम किया था, पर अशोक गहलोत जी के रहते हुए 2012 में राइट टू एजुकेशन में ये बच्चे एंटाइटल्ड हैं, ऐसा एक ऑर्डर हुआ है।
उससे इनके सरकारी स्कूल में एंट्री के भी मार्क खुलकर प्राइवेट स्कूलों में जो रिजर्व सीटें होती हैं बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चों के लिए, उसमें भी ये लोग जा सकते हैं। तो स्कूल एजुकेशन इज़ नॉट ए बिग चैलेंज। कुछ बच्चे MBBS भी कर रहे हैं क्वालिफाई करके, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। कोई प्रतिभावान छात्र बच्चा बच्ची हमें दिखता है तो हम उसको मोटिवेट भी करते हैं, उनके माता पिता को आश्वस्त भी करते हैं कि भविष्य में इनकी पढ़ाई लिखाई फीस का खर्चे में जो हमसे सहायता होगी हम अवश्य करेंगे। और मैनेजमेंट से भी मिलते हैं, कॉलेजों में बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, मैनेजमेंट को भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमको कई कॉलेजेस ने, इंजीनियरिंग कॉलेज ने 50-50% डिस्काउंट्स भी दिए हैं बच्चों के लिए। हमने कहा भाई बच्चा इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हमारी संस्था के फंड्स भी लिमिटेड हैं, तो आधा कर दीजिए, तो आधा भी किया है। ऐसे समाज में लोग कंसीडर करते हैं। एक एफिडेविट बनवाते हैं, उसमें गारंटर के डॉक्यूमेंट लग जाते हैं, और एफिडेविट में कोई स्थानीय जैसे निगम पार्षद हो गया या MLA हो गया, इनकी मोहर लगती है, तो वो एडमिशन ले लेते हैं। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, जो बच्चे वहाँ पर पाकिस्तान से 12-15 साल का या 17 साल का जो बच्चा आता है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो वहाँ बेचारा पढ़ता भी है तो वो उर्दू लैंग्वेज होती है और दूसरा सिंधी और इंग्लिश, और यहाँ आने के बाद हिंदी से तो बिल्कुल अननोन होता है। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज उस बच्चे का कैरियर यानी दाव पे होता है। वहाँ तो मैं यही था, हमारे बच्चे पढ़ेंगे जब भी कुछ नहीं होगा, अगर पढ़ लिख के नहीं पढ़ेंगे जब भी जाके किसान बनेंगे या किसी के मोहताज होंगे, जिस तरह की गुलामी पहले हमारे बड़े कर चुके हैं हमारे बच्चे भी करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये विचार हुआ कि जिस तरीके से यहाँ के पढ़ लिख कर और नहीं कोई डॉक्टर बन जाएगा, हजारों में नहीं संख्या में नहीं तो 100 में बन जाएगा, 50 तो बन जाएंगे बनेंगे, हमारी इतनी मन की भावना जाग चुकी है। और जैसे भी हमारे सिटीजनशिप MLA बिल जो पास हुआ पड़ा है, वो अगर हमें सिटीजन सर मिल जाती है तो हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। हमें बहुत आशा है कि हमारे कुछ फौजी भी बनेंगे, भारत माता की सेवा करेंगे, कुछ डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ मास्टर बन जाएंगे, जिस तरीके जिसका होगा उसको फल जावश मिलेगा, ये पूरी हमें आशा है। स्कूल के अंदर अब जो बच्चे लड़े हैं मतलब गर्ल्स हैं वो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो कुछ कम पढ़ पा रहे हैं। मेरे हिसाब से बच्चे आगे बढ़ पाएंगे यहाँ पे। जी ये आप देखेंगे तो कुछ, क्योंकि इनके पास परमानेंट यहाँ की नागरिकता तो होती नहीं है, तो नौकरी में इनको बड़ी दिक्कत होती है, कोई नौकरी रख नहीं सकता, यहाँ की ID मांगता है, और ID मांगता है वो इनके पास है नहीं, और अगर ये पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखा देते हैं तो सामने वाला घबरा जाता है। पाकिस्तान ने अपनी ऐसी इमेज पूरे विश्व में बना रखी है कि अगर उसका कोई पासपोर्ट भी दिखा दे तो सामने वाला पहले से घबरा जाता है, वो पासपोर्ट देखते ही सोचता है कि ये आतंकवादी है, ये नहीं सोचता कि शायद कुछ और भी, कोई बात भी सुनने के लिए राजी नहीं होता, कोई नौकरी पे नहीं रखता। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे जितने हैं वो सब स्वरोजगार मतलब अपने ही कुछ करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ ठेला लगाते हैं, कुछ फल बेचते हैं, कुछ सब्जी बेचते हैं, कुछ मोबाइल पे कुछ अपना मोबाइल का कुछ एसेसरी का काम करते हैं, या कुछ व्यक्तिगत कहीं पे लेबर का या बेलदारी का किसी के पास काम कर लेता है। तो ऐसा करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। ₹2,500 मिल रही तो हाँ काम कर रहे हैं, खुश है बहुत, अच्छा है। हाँ ये कुछ है, काम करते हैं, गाजर का काम करते हैं, सही है। इधर तो हो जाएंगे पाकिस्तानी, तो हो जाएंगे 100-125 हो जाएंगे, इतने 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 हो जाएंगे सारे, आप 9 घर है, इतना हो जाएंगे, इतना हो जाएगा 9 घर है,
इतना हो जाएगा, 125 खड़े हो जाएंगे, 80 की 90 की 100 की करीब हो जाएंगे। हम हैं इस खेत के मालिक, गाजर बोते हैं और कोई सब्जी भी करते हैं, और चार महीने की ये फसल है। 4 महीने पहले बोई जाती है, फिर इसमें अच्छे से पिलाते हैं, अच्छे से निकाल के मंडी भेज देते हैं। अच्छे काम करते हैं और अपने मेहनत करते हैं बहुत अच्छी, और अच्छी मजदूरी हो जाती है। फिर बस हमारे पास में 2-3 साल से है, हमारे पास में ही है। पाकिस्तान से आए उस समय से हमारे पास में ही है। 2-10 साल हो गए, 1 साल हुआ पाकिस्तान से आए, फिर यहाँ पे बीच में आए थे, मजदूरी की थी, फिर हमारे यहाँ पे सेट हो गए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये मतलब अपने जो रोजगार है वो कमाते हैं और खाते हैं, और अपना जो काम करते हैं, कोई आपका घर खर्चा चलाते हैं, सब मस्त है। बोलते हैं ना लोग कि वहाँ से क्यों आए, आपका तो मुल्क वो है, ये आ गए पाकिस्तानी ये है। और यहाँ पे लोग, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं जो नफरत भी करते हैं पाकिस्तानी होने के नाते, भेदभाव करते हैं। आगे खाई पीछे खड्डे वाला मामला हो गया, ऐसे ही यहाँ पे भी भेदभाव होता है पाकिस्तानी होने के नाते। चलो यहाँ पे सुकून की नींद लेके सो जाते हैं, वहाँ पे तो चौकीदारी वगैरह करनी पड़ती थी, फिर भी डाकू वगैरह आ जाते थे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ मामला नहीं है, लेकिन भेदभाव तो है ना। बहन बेटी जान वान माल वो सुरक्षित है, लेकिन वही है बस, पाकिस्तानी हो। वो सर और कुछ नहीं था, बस मेरी फैमिली इधर आ गई थी, और बिग ब्रदर इज ऑल्सो फर्स्ट केम, एंड आफ्टर दैट I also doing work in hospitals. Qualified degree मेरी है MBBS की, वो मैंने इंडिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और WHO से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, वहीं से मैं पास आउट हूँ। उसका सर एक एक्ट है 1956 का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उस एक्ट में ये बिल्कुल मेंशन है कि जो सिंध यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं उनको हम रिकग्नाइज करते हैं। मैं सर वहाँ से पास आउट हूँ, मेरे पास डिग्री है MBBS की, वहाँ मैं रजिस्टर्ड था, रजिस्ट्रेशन वहाँ पाकिस्तान की थी मेरे पास। मेरे पास MCI रजिस्ट्रेशन तो नहीं, क्योंकि एक कंडीशन है कि आप पहले नेशनलिटी सिटीजनशिप लें, उसके बाद आप MCI का एग्ज़ाम दें। मैं भी MCI का रजिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम दे के वहीं से ले लेता, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर सर जैसे तैसे रोज़गार चलता रहा, लेकिन 2020 में वापस FIR हो गई, उसी बेस पे कि आप झोला छाप हैं, क्विक हैं, तो आप पे FIR। सर 2020 में मुझे अरेस्ट किया गया, और सर मुझे एक रात वहाँ थाने में रखा, फिर जेल डाल दिया सर मुझे। 3-4 दिन तक मेरी बेल नहीं हुई, 3-4 दिन के बाद मेरी बेल हुई। अभी सर मैं बेल पे हूँ। पहले वही 15-20-25 की OPD ज़रूर थी, और लेकिन वो भी डर डर के, मतलब तो काम करना कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। पेशेंट का जो रेशो वो भी घटता जा रहा है। अभी हम तो सिर्फ पेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 2 वक्त रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमें जीना है तो रोटी खानी है, और बच्चों को चाहे मेरे परिवार को रोटी खिलानी भी मेरा फ़र्ज़ है सर। मेरा बेटा तो मुझे 3 साल इधर हुआ है,
मेरा बेटा पाकिस्तान में रह गया और बेटे के वजह से बहुत ट्रेडिशन में मेरी घरवाली पे दुखी है। वो बोलने बोलने से कि माँ आप इधर मजदूरी कर रहे हो, मैं इधर दुखी हूँ बहुत। फिर उसको इतनी टेंशन आई, इतनी तो ज़मीन पाँव वाली निकल गई। तो उस वजह से वो उसकी जो जैसे ये बोलता लखवा को 250 तो बीपी आ गई। तो ऊपर आने से क्या जो लखवा हो गया और बच्चा है हमारा के क्या जो एक कोई लोग बोलते हैं कि कालजे का टुकड़ा होता है। ये मेरी शादी की फोटो है और ये मेरे ससुराल का परिवार और ये मेरे ससुर के चारों भाई। कॉम्प्लिकेटेड कॉगमायर ऑफ सिचुएशन कि सीएए जितना करुणापूर्ण कानून भी जिस तरह से भद्दा बनाकर शाहीन बाग यहां बिठाए गए, इसी राजस्थान की असेंबली ने सीए के खिलाफ प्रपोजल पास किया, यही पंजाब की असेंबली सीए के, तुम्हें मोहन सिंह की बेटी जगजीत कौर धर्म परिवर्तन करती हुई कलमा पढ़ती हुई यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े दिखाई नहीं दी, तुम्हें यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट दिखाई नहीं देती है। अब जो कानून आया है सीए उसमें आप 5 वर्ष से भारत में रह रहे हो, आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो आप 5 वर्ष बाद में पाकिस्तान अफगानिस्तान या बांग्लादेश के माइनॉरिटी हो तो आप नागरिकता ले सकते हो, वो यही कह रहे हैं। तो कैटेगरी जो नेहरू जी ने तय की थी लाभार्थी कौन होंगे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में नहीं बदले गए हैं। और एरिया कौन से इलाके के कौन से क्षेत्र के लोगों को ये लाभ मिलेगा ये भी नेहरू जी ने तय किया था, मोदी जी ने तय नहीं किया। इसलिए जब भी मैं किसी टीवी डिबेट में गया और वहां पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे तो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे क्योंकि वो पूरी पार्टी और पूरे देश का लेफ्टिस्ट इस मामले में झूठ बोल रहा था। सिर्फ ये किया कि 7 वर्ष को 5 वर्ष कर दिया और साथ में ये किया कि बहुत निर्धन लोग हैं, पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा पा रहे, वैलिड पासपोर्ट कहाँ से लाएंगे। तो अच्छा भैया 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आया है ऐसे आदेश राजनाथ सिंह जी और शिवराज पाटिल भी कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो हम उसको पाकिस्तान एम्बेसी में लाखों रुपए जमा कराने की आने की जाने की परिवार के साथ धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली कलेक्टर के यहाँ जाओ और अपना एक्सपायर्ड पासपोर्ट और 100 रुपए के स्टाम्प पे नागरिकता त्यागपत्र प्रमाण पत्र की घोषणा कर दो और आपको भारत की नागरिकता का लास्ट स्टेप ये होगा। बाकी न तो सीआईडी की जांच में कोई छूट है, न आईबी की जांच में कोई छूट है, न और किसी डॉक्यूमेंटेशन में छूट है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो हम मांगते भी नहीं इस तरह की छूट, पर ये तो शुद्ध मानवीय काम था। न क्षेत्र बदला, न लाभार्थियों की कैटेगरी बदली, तो भैया ये एंटी मुस्लिम कैसे हो गया कानून? अगर ये एंटी मुस्लिम है तो नेहरू ने मुसलमानों का नाम नहीं लिखा था, तो इसका अपराध तो नेहरू के सिर है, मोदी के सिर कैसे है? ये सीए का एक ब्रीफ आपको बताया मैंने। यूनाइटेड नेशंस के अंदर मैंने जो मालूमात की, जो जानकारी मेरे पास है वो ये है, आपको लॉबिंग करनी पड़ती है, आपको वहां पर जाकर बैठना पड़ता है, आपको अपनी विक्टिमहुड उनको दिखानी पड़ती है कि यहां पर विक्टिम्स हमें भैया, CAA जो विक्टिम्स है पाकिस्तान के हिंदू सिख और ईसाई उनके लिए लाया गया है, पाकिस्तान के मुसलमान उसके विक्टिम्स नहीं है। ये सरल सी बात इंडियन एस्टैब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशंस को या अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को समझा ही नहीं पाया। अब क्यों नहीं समझा पाया? प्रज्ञा की कमी है, इच्छा की कमी है। अमेरिका की 8 सिटी काउंसिल्स ने CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित किया बिना ये जाने कि सीए कितना करुणापूर्ण कानून है
और कौन उसकी कीमत चुका रहा है उस धृष्टता की जो इस्लामिक जिहादी कर रहे हैं पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ में। अभी तक पिछले दो साल का जो एक्सपीरियंस है, दो सवा दो साल का, वो अच्छा नहीं है। मतलब वैसे नहीं हो पा रहा जैसे पहले होता था। अब 9 जनवरी को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होगा, ऐसा हमारे पास कई माननीय व्यक्तियों के द्वारा सूचना आई है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हम माननीय अमित शाह जी से भी आग्रह करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि जितना जल्दी हो इसको लागू करें। इन निरीह लोगों का कोई दोष नहीं है, इनको रहना तो यही है। अब बात यह कि यहाँ पर भी एक तरीके से ये गंदगी में पड़े हुए हैं, पॉलिटिकल हॉस्टेज हैं। आप इनको नागरिकता दे देंगे बेचारे थोड़ा स्प्लिट हो जाएंगे, कई खेतों में जाके काम वाम कर लेंगे, इनकी CID और IB में फाइलें बंद हो जाएंगी, इनको ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगा, सांस लेने को जगह मिल जाएगी। होली हो गई, दिवाली हो गई, करवा चौथ का व्रत हो गया, करवा चौथ तो पता ही नहीं है, और कांवड़िया जो होते हैं शिव का वो हो गया। जितने भी त्यौहार हैं बहुत अच्छा धूमधाम से मनाते हैं और खुशी से मनाते हैं, घर में बाहर में मंदिर में सब जगह मनाते हैं। हमें अच्छा लगा भारत। हम तो कह रहे हैं परमात्मा भारत के अंदर हमको शरण मिल गई, यही हमारे लिए तो बहुत धन्य है। यहाँ खुशी से हमारे बच्चे जो हैं अपना त्यौहार मनाते हैं, खुशी से टीका लगाते हैं, खुशी से अपना बिंदिया लगाते हैं सब महिलाएं। ये सारे लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मगर हम अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। बस फिलहाल तो खुशी है, अब आगे देखें क्या होता है क्या नहीं। हाँ तो क्या लागे मेरा।